Good morning, ECE 5th semester students. My name is Megha Sharma. I'm a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic Udhar. Today I'm going to teach you on PLC and SCADA subject, and our topic is what is arithmetic instructions. This is very important and interesting topic. Now I'm start this topic. Students, aaj humne kya hai arithmetic instruction ke upar padhna hai. ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है. इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होती है, डिवीजन होती है. ये क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन. आपको वन मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना. आप टाइप बता सकते हो कौन सी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब एडिशन का क्या मतलब है, कोई चीज़, दो चीज़ें हैं उन्हें आपस में हमने क्या ऐड करना है, दो हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना. सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, दो चीज़ों को हम माइनस करेंगे. मल्टीप्लाई, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और डिवाइड, दो चीज़ें होंगी तभी डिवाइड होगा, है ना. आते हैं हम ऐड फंक्शन पे. पीएलसी ऐड फंक्शन, ऐड ओनली व्हेन द इनेबल लाइन चेंजेस फ्रॉम ऑफ टू ऑन. अभी इसका स्टेज क्या है, कब इनेबल होगा, जब ऑफ टू ऑन में जाएगी चीज़ तभी चेंजेस होगा. ये तो नहीं ऑफ है तो चेंजेस हो जाएगा, ऑफ स्टेज है, ऑन स्टेज में जाएगी तभी कोई चेंजेस होगा. द एडिशन विल नॉट टेक प्लेस कंटिन्यूसली जस्ट बिकॉज इनेबल इज ऑन, ठीक है ना. कंटिन्यूसली नहीं चलता, जब वो चीज़ इनेबल है तभी ही वो चीज़ आगे एडिशन होगी. व्हेन इनेबल द नंबर ऑफ सोर्स बी, सोर्स बी होगा कोई, ठीक है, ऐड करेंगे हम उसको सोर्स ए के साथ. द रेजोनेंस इज अपेयर इन द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, ठीक है ना. फिर क्या होगा, हमारे एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे चला जाएगा. अब ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो हम देखते हैं. यहाँ पे ऐड ले लिया, यहाँ पे ले लिया 10 तक, यहाँ पे ऐड लिया, सोर्स क्या ले लिया, ए और बी, और लास्ट में क्या है आपकी डेस्टिनेशन. अब क्या लिया, एन 7:1 लिया, उसका उन्होंने दिया कि ए है हमारे पास 25, ठीक है. ऐसे ही वो लिया 7:2 लिया, वो है 30. अब दिनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 55, है ना. 25 में से अगर आप ऐड करोगे कितना बन जाएगा, ये यहाँ से 5 आ गया, और ये 5 क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गया डेस्टिनेशन में, 55, ठीक है. ऐसे ही हैंस सोर्स ए इन शॉइन फिगर, वही जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई है वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अभी लिख दी है, ठीक है. n7:1 था विच इंक्लूड दी वर्ड 1 of 7. 7 का मतलब कि 5, 7 जो आपकी जो फाइल नंबर है वो 7th है, ठीक है ना. इंडिकेटिव 5 एंड सोर्स बी का भी जो था वो थी 7 एंड उसका जो वर्ड था 2 था. अब ऐसी जो चीज़ ऐड हो जाएगी वो किस पे जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ था हमारा 10 पे, ठीक है. अब ऐसे ही इन्होंने कॉयल कॉयल फॉर्मेट बना दिया है, ऐड सोर्स ए और सोर्स बी, लास्ट में उन्होंने प्लस का साइन कर दिया है. देख लो ना, ये आपका एड्रेस हो गया, फिर सोर्स ए सोर्स बी, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है. ऐसे ही मल्टीपल में ले लिया उन्होंने, मल्टीपल में क्या मैंने आपको कहा था ना, जुड़े नहीं कि 2 हो सकती है, नंबर ऑफ भी हो सकती है. ऐड लिया ए बी सी ले लिया, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ऐसे ही इन्होंने ले लिया यहाँ तक, ठीक है. और वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 40. कैसे आएगा, 10 और 5 किया, ठीक है, और 25, 10 हो गया. ये देखिए 10, 5 और 25, ठीक है, ये हो गया 10 और यहाँ पे 2, 3, 4, 40 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है. ये चीज़ें ही उन्होंने बताई हुई हैं. अब ये देख लेते हैं हम लास्ट वाले स्टेप्स. बिट 0 है तो क्या कहते हैं, इट इज़ द सेट इज़ कैरी इज़ जनरेटेड, ठीक है. जब 0 है तो कैरी जनरेट हो जाती है. बिट 2 पे क्या होगा, सेट 1 पे होगा और रिजल्ट हमारा 0 आएगा. बिट 3 पे क्या होगा, सेट 1 होगा व्हेन रिजल्ट इज नेगेटिव और लेस देन 0 होगा, ठीक है. अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे, क्या कहते हैं. विद दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू इन सोर्स बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू सोर्स ए, देन रिजल्ट इज प्लेस्ड इन डेस्टिनेशन. वही चीज़ होगी, बी में से हम ए को माइनस करेंगे और डेस्टिनेशन हमारी में स्टोर हो जाएगा. वही चीज़ आ गई यहाँ पे, फिर से डायग्राम सबका सेम ही है आपका, बस सामने जहाँ पे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट था वहाँ उधर ऐड हो गया, ठीक है. अब ये चीज़ें हम माइनस करेंगे. अब देखो 20 में से 15 ये हमें पता है 5 आ गया, वही चीज़ हमने लिख दी, ठीक है. ये लिखा है व्हेन द इनपुट एड्रेस, ठीक है, 0:12:11 द वैल्यू ऑफ सोर्स बी 7, वही आपकी आ गई इनपुट एड्रेस 7 × 2, ठीक है, 15. सब्ट्रैक्ट फॉर्म किसमें करेंगे, 20 में से करेंगे और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. और जो क्या होगा उसका n7:10, ठीक है ना. ऐसे ही मल्टीप्लाई वाला भी सेम हो जाएगा आपका,
पे मल्टीप्लाई गया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 16 2 का क्या हो जाता है 32, ठीक है, वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम लाइनें हैं, हमने बस जहाँ पे सब्ट्रैक्शन है वहाँ पे क्या आ जाना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आ गया, सारी यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो भी सेम है, आप कोई भी कंफ्यूज नहीं हो सकते इसमें। अब आ जाते हैं डिवीज़न पे, डिवीज़न में भी सेम है, अब क्या होगा, दो चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे, वो चीज़ आ गई यहाँ पे, दो चीज़ों को डिवाइड करने के, अब 25 में से 5 गए, 25 में से 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, वही चीज़ है, द डिवाइड इट्स डिवाइड द वैल्यू ऑफ सोर्स बी ए बाय वैल्यू ऑफ बी द स्टोर रिजल्ट इन डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन में वो स्टोर हो जाएगा। ये आज का आपका टॉपिक था, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।